जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूँ डायनामैक्स और आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं पोकेमॉन ट्रेनर कैनियन। तो भाई आज हम लोग बैटल कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मेगा रिक्वेजा है अपोनेंट की टीम में और इन्होंने स्टेल्थ रॉक भी यूज़ कर दिया है। तो अब हमारा कोई भी पोकेमॉन अगर स्विच करके यहाँ आएगा तो वो डैमेज लेगा, तो थोड़ी दिक्कत हो चुकी है। ऊपर से भाई इस फॉरेस्टर्स ने टॉन्ट यूज़ कर दिया है, तो मतलब हमें कोई ना कोई अटैक यूज़ करना ही पड़ेगा। हम स्टेल्थ रॉक या स्पाइक्स ऐसा कोई मूव यूज़ नहीं कर सकते, स्पाइक्स तो शायद है ही नहीं इसके पास, रोर है बट रोर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और भाई ये लौंडा ने शक्ल को बुला लिया है, बताओ यार स्टेल्थ रॉक तो यूज़ नहीं कर पा रहा है। अब शक्ल का डिफेंस भाई फाड़ है, भले अटैक वटैक स्टैट्स इसके बाकी सब काफ़ी कम है बट इसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऊपर से इसे शायद रिकवर भी आता है, तो भाई इसको निपटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अपोनेंट ने इसे डबल टीम भी सिखा रखा है और जहाँ तक मुझे लगता है इसे टॉक्सिक भी सिखाया ही होगा। ओके तो भाई रेस्ट आता है इसको, तो हाई डिफेंस के साथ साथ डबल टीम और प्लस रेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे अटैक्स मिस हुए इस पे से तो भाई ये पोकेमॉन तबाही मचा सकता है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको टॉक्सिक भी देखे रखा होगा अपोनेंट ने, तो भाई दिक्कत होने वाली है। और काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो आप लोग बताओ कैसा रहा आपका न्यू ईयर, कैसे क्या सेलिब्रेट किया कमेंट में बताओ यार। हम लोग तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल मेरा और हम सब मिलके थोड़ा रिजॉर्ट और कुछ अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह गए थे, वाटर पार्क वगैरह, तो काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने वहाँ। आप लोग बताओ आप लोगों ने कैसे क्या इन्जॉय किया यार। और पोकेमॉन एनीमे में या किसी दूसरे एनीमे में कुछ और अपडेट आया है क्या, क्योंकि जब से नारुतो में कुरामा मरा था तब से मैंने एनीमे देखना बंद कर दिया था। कभी कभी इंस्टा पे या यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स वगैरह देख लेता हूँ बट ओवरऑल कोई सीरीज़ तो जिस तरह से पहले देखता था वो सब बंद कर चुका हूँ यार। बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा था यार कुरामा के मरने का, बहुत ज़्यादा धांसू कैरेक्टर था यार वो, स्टार्टिंग से ईविल था और फिर एकदम से भाई मतलब इतना गॉड लेवल का कैरेक्टर बन चुका था वो, नारुतो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था यार। मतलब बोरुतो में हम देख ही चुके हैं और नारुतो में भी उसने जी जान लगा दी थी यार नारुतो को बचाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा शानदार कैरेक्टर था यार वो। तो भाई फिलहाल तो हमारी बैटल चल रही है अपोनेंट के शक्ल से, जो कि भाई डबल टीम यूज़ कर चुका है और ऊपर से रेस्ट भी यूज़ कर लिया, तो उसकी हेल्थ हो चुकी है फुल। तो अब भाई इसको निपटाना थोड़ा मुश्किल रहेगा बट हमारा शेडिंजा है तो भाई सब मुमकिन है। फिलहाल कोई भी रॉक टाइप मूव नहीं है शक्ल के पास, तो वो शेडिंजा को निपटा ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा यार। और यहाँ अपोनेंट ने स्विच कर लिया, ओ भाई देख रहा हो शेडिंजा स्क्रैच यूज़ कर रहा है मेगा रिक्वेजा पे, भाई बहुत ही ज़्यादा डेडली पोकेमॉन लग रहा है ये। रेजिगीगास को बुला लेते हैं यार स्विच करके, क्योंकि कोई और इसका अटैक नहीं झेल पाएगा मेरे हिसाब से, तो कोई नहीं झेल पाएगा यार। क्रंच देख रहा हो भाई कितना ज़्यादा भयानक क्रंच यार, अगर हमने इसे आउटस्पीड कर दिया तो ठीक है वरना तो रेजिगीगास गया इस टर्न में। ओके अपोनेंट ने स्विच मार लिया और अच्छा हुआ हमने कुछ स्टेल्थ रॉक यूज़ करे थे जिसकी वजह से फोरेस्टर्स ने थोड़ा डैमेज ले लिया और एक बार में निपट गया। चलो भाई यहाँ आ चुका है हमारा ड्रैगनाइट, अब हम पावर अप करते हैं अपने ड्रैगनाइट को और निपटाते हैं इस शक्ल को, क्योंकि भाई हमें सिर्फ एक हिट मारना है, अगर हमारे 5-7 हिट में से एक हिट भी पड़े आएगा ना तो शक्ल नहीं पड़े आएगा। और शक्ल ने रैप यूज कर दिया है जिसकी वजह से हम ड्रैगनाइट को स्विच नहीं कर पाएंगे और हर टर्न में थोड़ा थोड़ा डैमेज लेंगे। ऊपर से टॉक्सिक भी यूज कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात है, ऊपर से ड्रैगनाइट कंफ्यूज भी हो गया है। वाह यार सोने पे सुहागा, हमारी टीम के 3 पोकेमॉन तो भाई अधमरे से हो रखे हैं, पता नहीं आ रहांगे कैसे क्या चलेगी बैटल, लेकिन हार नहीं माननी भाई चाहे कुछ हो जाए, हारेंगे तो नहीं। यहाँ रेजिगीगास को लेके आए हैं ये लोग और आइस पंच सोचा ही था यार, आइस पंच ही यूज़ करेगा ये, बस भाई एक हिट में सो जाए ना इसका तो फिर हम डबल टीम यूज करके बस यार एक आध हिट और मिस हो जाए। अब तक तो भाई एक हिट मिस नहीं हुआ यार इसका,
क्या कर रहा है रजिकिया से यार, कौन सी गोली खा क्या है यार, बच गए बाल बाल बचे यार। क्या कभी कभी एक्चुअली में होता ये, कभी कभी क्रिटिकल हिट पड़े आता है और पहला रेजिकी गास का अटैक मिस हो गया। कभी कभी कुछ अटैक्स होते हैं जो क्रिटिकल हिट पड़े आते हैं तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा डैमेज दे देते हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं। इसलिए थोड़ा हेल्थ एक्स्ट्रा लेके चलो तो सही रहता है यार, रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं। और भाई साइकिक ने काफ़ी ज़्यादा शानदार डैमेज दिया इसको। भाई मैं लुगिया को तैयार कर रहा हूँ मेगा रिक्वेसा के लिए, क्योंकि भाई वो आएगा और तबाही मचाना चालू कर देगा यार, काफ़ी ज़्यादा भयानक पोकेमोन है। और यहाँ गया रेजिगीगास और अब आएगा भाई मेगा रिक्वेसा, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे इसके पास शायद हिटमोनटॉप भी था और ये आ गया हिटमोनटॉप। एंडेवर वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे शायद ये लोग, बट स्टेल्थ रॉक यूज़ कर चुके थे हम पहले ही, तो उसकी वजह से एंडेवर वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। और भाई फाइनली आ चुका है इनका रिक्वेजा, जिस पर ड्रैगन डांस यूज़ कर दिया इन लोगों ने, जिसकी वजह से इसका अटैक और स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और भाई आउटरेज यूज़ कर रहा था, इसका एक आउटरेज पड़ता और लुगिया निपट जाता यार। ओ भाई यहाँ आ चुका है राइडॉन, इसके पास भी रोर होगा और हाँ रोर होगा, स्टेल्थ रॉक होगा, बट ये भी ऑलरेडी डैमेज ले चुका है तो ये भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसी के साथ अपोनेंट ने क्विट कर दिया। भाई पहली बैटल हम जीत चुके हैं बड़े आराम से। तो भाई अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर मेरे साथ ये गेम खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गेम डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। और गेम स्टार्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा सर्वर चूज़ करने का, तो उसमें ओमनाइट सर्वर चूज़ कर लेना, क्योंकि मैं उसी सर्वर में खेलता हूँ। तो भाई मुझे नहीं लगता कि म्यू के पास कोई भी ऐसा मूव है जो शेडिंजा को हार्म पहुँचा पाएगा, या फिर देख लेते हैं यार स्विच करके, मे बी हो भी सकता है क्योंकि म्यू काफ़ी कुछ सीख सकता है। तो भाई इसके पास कोई ऐसा मूव नहीं है, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव सिर्फ साइकिक है, तो डबल टीम यूज़ करके ओह शिट ट्रांसफॉर्म यूज़ कर लिया भाई। और अब उसके पास भी है मेगा लुगिया, यही तो भाई खास बात है यार इस पोकेमोन की। और अब वो भी डबल टीम यूज़ कर रहा है यार, दिक्कत हो सकती है, निपटाना पड़ेगा यार इसको, जल्दी निपटाना पड़ेगा, वरना भाई डबल टीम यूज़ करने के बाद आप लोगों को तो पता ही है यार कि अगर मूव्स हिट ना करें तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चलो भाई ड्रैगनाइट को बुलाएं, लुगिया के पास होगा सिर्फ साइकिक और एयर कटर, तो ड्रैगनाइट को ज़्यादा डैमेज तो दे नहीं पाएगा ये। ड्रैगन डांस यूज़ करके पावर अप करके ड्रैगनाइट को इसको जल्दी से निपटाते हैं। भाई एयर कटर यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डैमेज दे रहा है ड्रैगनाइट को, एक से दो बार बस और यूज़ कर लें, फिर हम आउटरीच यूज करेंगे बैक टू बैक, ये मौका नहीं दे रहा यार बिल्कुल भी। ओके तो चलो भाई मिल गया मौका, फिलहाल कंडीशन मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा फास्ट होंगे, नहीं अभी भी ज़्यादा फास्ट नहीं है यार, थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और पावर अप होना पड़ेगा। और भाई फाइनली हम लुगिया से ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, तो पहले हम मूव्स यूज़ कर पाएंगे सारे के सारे। बस भाई अब दूर नहीं वो पल जब अपोनेंट का मेगा लुगिया निपट जाएगा, निपटाया जाएगा, और उसने खुद ने स्विच मार लिया यार गिरेटीना पे। भाई ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, ड्रैगन गोस्ट टाइप पोकेमोन है गिरेटीना, तो भाई आउटरीच से तो बड़े आराम से निपट जाएगा यार ये। और ये गया गिरेटीना, अब देखो भाई अगला पोकेमोन कौन आता है इसका, म्यूटू। पूरे लेजेंडरीज की टीम लेके बैठा है यार लौंडा, म्यूटू भी एक हिट में निपट गया। अब देखते हैं भाई अगला पोकेमोन कौन सा आता है इसका। हो ओ भाई स्टेल्थ रॉक की वजह से स्टार्टिंग से ही उसकी हेल्थ आधी हो चुकी थी और ये अपोनेंट ने कर दिया क्विट। यहाँ एक और अपोनेंट आया है डिओक्सिस को लेके। भाई डिओक्सिस के मूव्स
कुछ कुछ मूव्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि इसका अटैक और स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। और देखो रॉक स्लाइड यूज़ कर दिया आते से ही उसने। ये क्या था भाई, साइको कट था ना शायद भाई, दो हिट में निपटा दिया यार इसने, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे दी यार। रेजी की गास निपट गया यार स्टार्टिंग में, हमारा बेस अटैकर तो यार रेजी की गास ही है यार, क्योंकि कोई भी पोकेमोन आ जाए किसी भी टाइप का तो रेजी की गास संभाल लेता था, बट अब उसे ही निपटा दिया इसने। और भाई यहाँ रायपीरियर भी गया ड्रेन पंच से, एक ड्रेन पंच में निपटा दिया। ओके तो ड्रेन पंच यूज़ किया था इसने रेजी की गास को निपटाने के लिए। और ये अपोनेंट का लुकिया आ चुका है सामने, चलो भाई डबल टीम यूज़ करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है इस लुगिया के पास टॉक्सिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। नहीं था, अच्छा प्रोटेक्ट यूज़ किया लुगिया ने, प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए यार इसे। ओके इस बार प्रोटेक्ट इसका थोड़ा सही चला गया, चलो भाई ड्रैगनाइट को पावर अप करते हैं और निपटाते हैं इसकी पूरी टीम को। क्योंकि भाई एक क्या कर रहा है भाई ये, रोर वगैरह सब है यार इसके पास, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन निकला यार ये तो, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। ऊपर से भाई टॉक्सिक भी है, मुझे भी टॉक्सिक देना है यार अपने लुगिया को, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि लुगिया को टॉक्सिक दे देंगे तो फिर एयर कटर हट जाएगा, तो कम से कम ऐसा एक पोकेमोन चाहिए जो लुगिया को रिप्लेस कर पाए भाई अटैक वटैक करने के मामले में। तो भाई यार ये लुगिया तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार अब वाई नॉट को बुलाएं और थोड़ा स्ट्रैटेजी अपनाएं और इस लुगिया से बचा जाए यार। एक काम करते हैं सेफ गार्ड यूज़ कर देते हैं, कम से कम मेरे आने वाले पोकेमॉन्स तो टॉक्सिक से बच जाएंगे यार। चलो भाई बहुत सही, अब देखते हैं कि कौन क्या कर पाता है। आ चुका है भाई हमारा मेगा लुगिया, ये रॉक स्लाइड यूज़ करेगा डीऑक्स जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रोटेक्ट यूज़ कर दिया हाँ क्योंकि डिफेंसेस काफ़ी कम है और लुगिया के एक से दो हिट में निपट जाएगा ये। ये कौन सा मूव यूज़ किया था यार इसने, लेकिन जो भी मूव यूज़ किया था उससे हम बच चुके हैं। और भाई देख रहा हो एक एयर कटर में निपट गया डीऑक्सिस, बस यही दिक्कत है डीऑक्सिस के साथ कि उसका अटैक स्पीड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन डिफेंसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको निपटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सेम गेंगार के साथ भी है, अटैक स्पीड काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उसके अलावा डिफेंसेस थोड़े से कम है, ऊपर से गोस्ट टाइप है, गोस्ट पॉइजन टाइप है, तो ग्राउंड टाइप मूव्स ही सुपर इफेक्टिव जाते हैं यार उस पर, साइकिक टाइप मूव्स भी सुपर इफेक्टिव जाते हैं उस पर। चलो भाई अपोनेंट ने स्विच कर लिया और यहाँ अपोनेंट का लुगिया आ चुका है जो टॉक्सिक वगैरह यूज़ कर रहा है, निपटाएंगे यार भाई से तो जल्दी ही निपटाएंगे। ओ भाई फिर से रोर यूज़ कर दिया यार उसने, यार आउटरेज यूज़ करते हैं यार, क्या कोई मतलब नहीं है, ड्रैगनाइट के साथ एक दो बार पावर अप करके आउटरीच यूज कर देते हैं, क्योंकि भाई ये लुगिया बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है यार, देख ही रहे हो यार आप लोग, हाँ बार बार रोर यूज करके कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। और भाई इस पे टॉक्सिक यूज कर दिया हमने शेडिंजा से, तो इसकी लंबेर यूज कर चुके हैं हम और अब ये टॉक्सिक यूज कर रहा है हमारे शेडिंजा पे, लेकिन टॉक्सिक का कोई इफेक्ट नहीं होता शेडिंजा पे, तो बस लुगिया हो चुका है टॉक्सिक। अब देखते हैं कितनी देर तक जिंदा बच पाता है ये, कितनी क्या देर जिंदा रह लेगा यार। और ये अपोनेंट ने स्विच कर दिया है रेजिगी गास पे, तो भाई नॉर्मल टाइप पोकेमॉन्स पे कोई असर नहीं होता गोस्ट टाइप मूव्स का, तो हमें स्विच करना पड़ेगा भाई, स्विच करना पड़ेगा। और भाई नॉक ऑफ देख रहे हो कितना ज्यादा डैमेज दिया है नॉक ऑफ ने, रिकवर करें या साइकिक यूज करें थोड़ा मुश्किल सवाल है,
लेकिन साइकी क्यूज कर लेते। ओ भाई शिट, एप्सोल आ गया भाई, प्योर डार्क टाइप पोकेमोन, उस पर साइकिक वगैरह का कोई असर नहीं होता और उसके साइकिक टाइप मूव्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं भाई। टॉन्ट यूज़ कर दिया इसने ड्रैगनाइट पे, ड्रैगनाइट को पावर अप भी नहीं कर सकते अब हम, क्या किया जाए। आउटरीच यूज़ करते हैं यार और क्या। देखो ड्रैगनाइट भी पॉइजन है, लुगिया भी पॉइजन है, लेकिन बात है कि लुगिया रिकवर यूज़ कर सकता है और ड्रैगनाइट रिकवर यूज़ नहीं कर सकता। और अगली टर्न में ड्रैगनाइट निपट जाएगा तो भाई इस टर्न में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दे सकता है ड्रैगनाइट दे दे यार। नहीं टॉन्ट हट गया भाई, अब हम भी रूस यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मुकाबला थोड़ा बराबरी का चल रहा है फिलहाल, और भाई इस रूस्ट में देखते हैं कितना पावर अप हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो एप्सोल्ट टॉन्ट यूज़ कर देगा और एप्सोल्ट के इंटिमिडेट की वजह से ड्रैगनाइट का अटैक ऑलरेडी कम हो चुका है। फिर भी भाई देखते हैं कितना क्या डैमेज दे पाता है ड्रैगनाइट। चल भाई ड्रैगनाइट कुछ तो कर, कुछ तो कर यार, निपटा ऐसे जल्दी यार। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया यार इस अपोनेंट ने, बहुत ही ज़्यादा ढीठ टाइप की टीम बनाई यार, मतलब परेशान कर दिया यार। और एंड में क्विट करके चला गया भाई। लेकिन कुछ भी कहो, आप लोग देख चुके हो भाई, थोड़ी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई हो ना तो भाई किसी की भी बैंड बजाई जा सकती है। मतलब देख रहे थे आप लोग खुद ही कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी यार। और यहाँ भाई शाइनी ब्लेजिकन आ चुका है, जिसकी एबिलिटी है स्पीड बूस्ट, मतलब हर टर्न में इसकी स्पीड होगी प्लस वन, जिसकी वजह से चार से छः टर्न्स के बाद भाई लौंडा हद से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और अपोनेंट ने स्विच कर लिया शाइनी स्नोलैक्स पे, शाइनीज की टीम है यार इसके पास। काफ़ी सही ट्रेनर है यार। और यहाँ ये लेके आया है शाइनी स्नोलैक्स को और आइस पंच से निपटा दिया। मैंने सोचा था स्टेल्थ रॉक यूज़ करेंगे, बट यहाँ तो रजिकी का निपट चुका है। वैसे अगर हम एक और साइकिक यूज़ करते ना तो स्नोलैक्स तो निपट ही जाता यार। और भाई यहाँ आ चुका है इनका टोगेकिस, शाइनी टोगेकिस। भाई लौंडे के पास फुल शाइनी पोकेमोन्स की टीम है, तो भाई कोई भी कैसी भी टीम हो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से निपटा देंगे। शाइनी विनसोर आ गया यार, इसे भी एक साइकिक में निपटा ही देंगे। और भाई इसी के साथ अगला पोकेमोन और अपोनेंट ने क्विट कर दिया। तो भाई वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।